ईएमआई पर फोन लिया है, सोच रहे हैं कि ईएमआई नहीं भरेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए वरना आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। सबसे पहला खतरा आपको होगा ब्याज और पेनल्टी। अगर आपने ईएमआई मिस कर दी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे। दूसरा खतरा है क्रेडिट स्कोर। अगर आप ईएमआई टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर, जो कि क्रेडिट स्कोर होता है, वो गिर जाएगा और भविष्य में आपको लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा खतरा है कलेक्शन एजेंसी। अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक आपकी ईएमआई वसूलने के लिए एजेंसी को आपके घर भेज सकती है। चौथा खतरा है लीगल कार्रवाई। लंबे समय तक अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। तो इन सब के बाद भी अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपके फोन के ऊपर कब्जा होगा, यानी जो फाइनेंस कंपनी जिन्होंने आपको फोन ईएमआई में दिया हुआ है वो आपके फोन के ऊपर कब्जा करेगी या फिर आपका जो फोन का ईएमआई नंबर है उसे ब्लॉक कर देगी ताकि आपका जो फोन है वो ब्लॉक हो जाए और फोन काम न करे, और ऐसा करके फाइनेंस कंपनी हमारा फोन वापस ले लेती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस, कि अगर आपको ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है तो आप फाइनेंस कंपनी से बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको कुछ रिलीफ दे दे। अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरते तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इस तरह के फायदेमंद टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।